भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड इस धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी का है। आज की इस कड़ी में प्रवेश करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि वैसे ये इस ग्रंथ के हिसाब से ये द्वितीय कांड का दूसरा भाग है, और पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि तथागत बुद्ध अपने उन पांच परिव्राजक मित्रों को अपनी अनुभूति सारनाथ में बता रहे हैं, और सारनाथ में जब वो ये बात बताते हैं तो वहां उन्होंने उन्हें बताया कि शील का मार्ग क्या है, और शील के मार्ग में उन्होंने उसके 10 मुद्दे बताए, और इन 10 मुद्दों में सबसे अंत में जब उन्होंने बताया कि उपेक्षा हमारा हर बार किसी भी घटना की ओर, फल चाहे कुछ भी हो, हमारे सामने जो चाहे परिणाम आ जाए, लेकिन उसकी ओर से निरपेक्ष रहकर, कोई अपेक्षा होगी तो दिक्कत होगी, निरपेक्ष रहकर साधना में रत रहना, यह उसका उपचार है, तथागत बताते हैं। अब इसके बाद बाबा साहेब लिखते हैं कि इन सद्गुणों का आदमी को अपनी पूरी सामर्थ्य भर अभ्यास करना होता है। ये जो सारे सद्गुण हैं, इन सद्गुणों का, जैसे कि शील, दान, उपेक्षा, नैष्क्रम्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा, मैत्री, इन सब का पूरे जीवन भर अभ्यास करना होता है अपने पूरे सामर्थ्य से, और इसलिए उन्हें पारमिता कहा गया है। बौद्ध साहित्य में जो पारमिता कहा जाता है वो इसलिए इन्हें कहा गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अपने धर्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया। अब तथागत बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया है। तथागत बुद्ध पूछते हैं परिव्राजकों से कि बताइए कि क्या आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई का आधारशिला नहीं है? तथागत बुद्ध परिव्राजकों से पूछते हैं कि बताइए कि आदमी के चरित्र की पवित्रता, ये अगर संसार के भलाई की आधारशिला है, तो फिर सवाल वे ये पूछते हैं कि आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई की आधारशिला नहीं है? हम सब तो जानते हैं कि भाई चरित्र की पवित्रता ही इस संसार की भलाई की आधारशिला है, लेकिन तथागत उन्हें पूछते हैं क्या ऐसा नहीं है? कि उनका उत्तर था कि हां, ये तो ऐसा ही है। फिर बुद्ध ने पूछा, अब परिव्राजकों की जिज्ञासा जब शांत हो गई तो तथागत बुद्ध उनसे पूछने लगे। अब ये चर्चा का हिस्सा है, देखिए। फिर बुद्ध ने पूछा कि क्या ईर्ष्या, राग, अज्ञान, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य चरित्र की पवित्रता की जड़ नहीं खोद देते हैं? अगर चरित्र की पवित्रता को अगर देखना है तो तथागत पूछते हैं कि क्या ईर्ष्या, राग, अज्ञान, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, असत्य, ये सब हमारे चरित्र की जो पवित्रता है उसकी जड़ें कमजोर नहीं कर देते हैं? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आदमी में इतना चारित्रिक बल हो कि वह इस प्रकार की बुराइयों के वश में ना आ सके? क्या कहते हैं तथागत?
कि व्यक्तिगत पवित्रता के लिए, व्यक्तिगत पवित्रता, अपने आप को, क्या हमारी व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आदमी में इतना चारित्रिक बल हो, हरेक में इतना चारित्रिक बल हो कि वह इस प्रकार की बुराइयों के वश में ना आ सके, ईर्ष्या से बच सके, इतना चारित्रिक बल उसमें नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जरूरी है। यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण कैसे कर सकता है? अब तथागत बुद्ध का यह सामाजिक प्रश्न आ गया। अब वे पूछते हैं कि यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वो जन कल्याण कैसे कर सकता है? मतलब जो आदमी अपने आप में कुछ है ही नहीं, जो अपने आप में कुछ नहीं है, जिसके पास, जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, जिसका अपना कोई चरित्र नहीं है, वो आदमी जन कल्याण कैसे कर सकता है? ये कैसे संभव है? तो परिव्राजक कहते हैं ये संभव नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो ये कैसे करेगा। इसलिए चारित्रिक बल का होना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं हमारे सार्वजनिक जीवन में कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई कई चारित्रिक दोष उनमें देखने को मिलते हैं, और हर सेगमेंट में हमारे सार्वजनिक जीवन में देखिए, तो इस तरह से वे जन कल्याण कैसे कर सकते हैं? तथागत पूछते हैं कि व्यक्तिगत पवित्रता, इसके बगैर अगर किसी के चारित्र में दोष है तो फिर अपने चरित्र को संभाले बगैर कोई आदमी जन कल्याण तो नहीं कर पाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और आदमी दूसरों को अपना गुलाम बनाना, दूसरों को अपने वश में रखना क्यों चाहते हैं? ये आदमी के पास एक प्रवृत्ति होती है ऑर्डर देने वाली, तो आदमी दूसरों को अपना गुलाम बनाना क्यों चाहता है? फिर वे पूछते हैं कि दूसरों को अपने वश में रखना क्यों चाहता है? आदमी दूसरों के सुख दुख की ओर से उदासीन क्यों है? सब कोई अपना अपना देखना चाह रहा है, दूसरों के सुख या दुख से उदासीनता है, क्या ये इसलिए नहीं? देखिए तथागत बताते हैं, क्या ये इसलिए नहीं कि एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति योग्य व्यवहार नहीं करता? तो उनका उत्तर था हाँ, यह ऐसा ही है। तो जब एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति योग्य व्यवहार नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो अपने अपने तक सीमित होता चला जाएगा और सिमटता चला जाएगा, और आदमी जैसे सिमटता चला जाएगा तो उसका सामाजिक दायित्व, उसकी सामाजिकता ये खतरे में आ जाएगी। और इसलिए लोग समाज में तो रहते हैं, बहुत सारे घर, बहुत सारी बस्तियां, बहुत बड़े बड़े गांव, बहुत बड़े बड़े शहर, लेकिन बावजूद इसके एक दूसरे का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है? इसलिए देखिए तथागत क्या कहते हैं कि आदमी दूसरे के प्रति योग्य व्यवहार नहीं करता। हमारी अपनी एक बात होती है कि हम अपने लिए, सब लोग हमारे लिए बड़ा अच्छा व्यवहार करें, ये हम अपेक्षा रखते हैं कि सब लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें, लेकिन कभी हम अपने व्यवहार का मूल्यांकन करें, करते हैं? अगर ऐसा करें तो पाएंगे कि हम जैसा व्यवहार स्वयं के लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के लिए करते नहीं है। तो ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। एक किसान ये बात जानता है कि मैंने जब तक जमीन में बीज नहीं डाला है तब तक मैंने पौधे की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि मैं जब तक बोऊंगा नहीं
मतलब मैं मेरी ओर से एक बेहतर व्यवहार सामने वालों को नहीं दूंगा तब तक उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा मैंने करना यह बेमानी है, ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम हमारे लिए जितना अच्छा जितना बेहतर व्यवहार चाहते हैं उतना ही अच्छा उतना ही बेहतर व्यवहार हम अपने पास पड़ोस में करें, अपने आसपास में करें, अपने उन सारे मित्रों में सगे संबंधियों में करें जिनके संग हम रोज रहते हैं और जिनसे हम बेहतर व्यवहार की और अच्छे व्यवहार की अपेक्षाएं रखते हैं। तो हम उनके लिए भी उतना ही बेहतर व्यवहार करें, तब न कहीं हम एक अच्छे जीवन की ओर जा पाएंगे। फिर तथागत फिर पूछते हैं, तो क्या अष्टांग मार्ग का अनुसरण सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और संक्षेप में कहें तो सद्धर्म, तो सद्धर्म के अनुसार जीवन यापन करना, यदि प्रत्येक उस पथ पर चलें, यदि प्रत्येक व्यक्ति उस पथ पर चलें, उस सारी अमानवता का, उस सारे अन्याय का जो एक आदमी दूसरे के प्रति करता है क्या अंत नहीं कर देगा। सब लोगों को लगता है कि अमानवीयता बहुत हो रही है, अन्याय बहुत हो रहा है, न्याय की जरूरत है, मानवीयता की जरूरत है। तो तथागत पूछते हैं, क्या हर एक आदमी यदि अपने लिए जितना बेहतर व्यवहार चाहता है उतना ही बेहतर व्यवहार दूसरों से भी करने लगे तो क्या यह संभव नहीं है कि जिस अमानवीयता से, जिस अन्याय से लोग परेशान है, क्या वो उससे छुटकारा नहीं पाएंगे और छुटकारा पाकर मानवीय और न्यायपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर नहीं होंगे, उसकी ओर नहीं बढ़ेंगे। तो जवाब उनका ये था, हाँ ऐसा ही है। और फिर ये होने के बाद फिर वे कहते हैं कि अभिशील या सद्गुणों का उल्लेख हम सब ने ध्यान में रखना होगा। और ये जो शील और सद्गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि क्या अभावग्रस्तों का अभाव दूर करने के लिए, जो अभावग्रस्त हैं उनके अभाव को दूर करने के लिए, क्या दरिद्रों की दरिद्रता को दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए क्या दान आवश्यक नहीं है? जिनके पास भंडार भरे हुए हैं क्या उन लोगों ने यह जरूरी नहीं समझना चाहिए कि जो अभावग्रस्त है उन लोगों को इसमें से कुछ दे, क्या ये दान आवश्यक नहीं है? तथागत पूछते हैं, दरिद्रों की दरिद्रता दूर करने के लिए या फिर अभावग्रस्तों की अभाव को दूर करने के लिए? फिर वे पूछते हैं कि क्या जहां कष्ट है, जहां दरिद्रता है, उधर ध्यान देकर उसे दूर करने के लिए क्या करुणा की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? जरूरी नहीं है कि प्रयासों को तुरंत ही फल मिल जाए, लेकिन फल की आशा किए बगैर। देखिए यहां पर शब्द जरा अलग सा हो रहा है, इस शब्द को आपने दूसरे सेगमेंट में कई बार सुना होगा कि कर्म करो, परिणामों को उसकी चिंता न। यहां तथागत कह रहे हैं कि क्या व्यक्तिगत लाभ ना होने पर भी अगर औरों का लाभ होता है, हो रहा है, तो व्यक्तिगत लाभ ना होने पर भी क्या सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? कि हमने चीजों को साक्षी भाव से, उपेक्षा के भाव से देखना चाहिए? और फिर यह प्रश्न करने के बाद परिव्राजक फिर से कहते हैं कि हां यह जरूर सोचनीय है, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब यह वक्त पूरा होता है, तो इजाजत दीजिएगा, अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।
बुद्ध और उनका धम्म